नमो नारायण जी, नमो नारायण जी, नमो नारायण जी। नारायण एस्ट्रो इंडिया के सबसे खास पसंदीदा कार्यक्रम नारायण ज्योतिष में आप सभी मित्रों का स्वागत है। दोस्तों, बात करूंगा बुध ग्रह का, जो कि अभी 11 अप्रैल से नीच राशि यानी अपनी मीन राशि में, नीच राशि में बुध का परिवर्तन। बुध ग्रह कन्या राशि में उच्च के होते हैं और मीन राशि में नीच के होते हैं। तो बुध ग्रह का मीन राशि यानी अपनी नीच राशि के अंदर, नीच राशि में जाने से आपकी राशि को कौन सी बीमारियां, कौन से स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां हो सकती हैं, क्या अच्छा फल मिलेगा, क्या बुरा फल मिलेगा, आज हम इस विषय पर बात करेंगे। मित्रों, बुध ग्रह 11 अप्रैल को 2019 को अपनी नीच राशि में जाएंगे। तो सबसे पहले मेष राशि वाले जो व्यक्ति हैं, मेष राशि यानी आपकी कुंडली में कहाँ रहेंगे, 12वें घर में। तो 12वें घर में जब बुध रहेंगे तो 12वें घर में आपको आंखों की परेशानियां आपको क्रिएट होंगी, खास करके लेफ्ट आइज में आपकी प्रॉब्लम बढ़ सकती है। दूसरी बात, आपके मान सम्मान में कमी आ सकती है। दोस्तों, मेष राशि वालों को 12वें घर नीच का बुध, मान सम्मान की कमी, परेशानियों का संकेत मिलने के योग बनेंगे। उसके अलावा मेष राशि वाले व्यक्तियों को अगर कोई लिटिगेशन को, कागज पत्तर के कोई काम पेंडिंग पड़े हैं तो सोच समझ के करने चाहिए। झूठे साइन सिग्नेचर लेन देन बहुत सोच के करें, अन्यथा आपको जेल यात्रा या कोई बहुत बड़ा संकट, बहुत बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। ये 12वें बुध की बात की जा रही है मेष राशि वालों को, जो कि आने वाली 11 अप्रैल से शुरू होगा। इसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों वृषभ राशि की। वृषभ राशि वाले व्यक्तियों को 11वें घर में यानी कि बैंकिंग सेक्टर में आप अगर कोई लोन लेना चाह रहे हैं, कोई बड़ा लोन आप प्लान आपने किया हुआ है, तो आप सोच समझ के लीजिएगा। वृषभ राशि वाले व्यक्ति 11वें घर में बड़े भाई के साथ संबंध थोड़े मधुर बना के रखिएगा। बड़े भाई से संबंध खराब हो सकते हैं, फाइनेंशियली लेन देन में नुकसान हो सकता है, कर्ज में कोई धोखा मिल सकता है, कोई आपसे कोई चीटिंग करके आपसे रुपया लेके जा सकता है, क्योंकि 11वां घर बुध आपकी कुंडली में फाइनेंस बैंकिंग सेक्टर आपका डिस्टर्ब हो सकता है। आपने कोई लोन, कोई कर्ज अगर आपने लेन देन करना है तो बड़ा सोच समझ के, बड़ा शांति से कीजिएगा। और उपाय के तौर पे आपने बुध के उपाय, हरे रंग का रुमाल जेब में रखना और हरी चीज़ों का दान करना बड़ा जरूरी है आपके लिए। मैं बात करूँगा अगली राशि मिथुन राशि के लिए। मिथुन राशि वालों को बुध मीन राशि यानी अपनी नीच राशि में 10वें घर में यानी बिजनेस के हाउस में, कारोबार के हाउस में, फाइनेंस के स्थान पे, पिता के स्थान पर राजनीतिक संरक्षण में, क्योंकि मिथुन राशि को जब 10वें घर में बुध नीच के होंगे तो आपके बिजनेस पे इफेक्ट पड़ेगा। और यहाँ तक कि आपको पेट की परेशानियों का संकेत मिलता है, पेट की बीमारियाँ हो सकती हैं, आपको रोग हो सकते हैं पेट के। मिथुन और कन्या दोनों के स्वामी बुध हैं और यहाँ बुध नीच के हो रहे हैं, तो मिथुन राशि वालों को तो विशेष रूप से अपने स्वास्थ्य में पेट का ध्यान रखना चाहिए। इवन आपका जो व्यापार करने का जो तरीका है उसमें सुधार करना चाहिए। मिथुन राशि को 10वें घर में नीच का बुध आपके व्यापार पे अटैक करता है, और अगर आपकी कुंडली में अगर ये नीच का बैठा हुआ है फिर तो और बड़ा दोष होने के संकेत हैं। और अगर आपका बुध कुंडली में अस्त है तो आपको इसे पावर देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मिथुन राशि वाले व्यक्तियों को, खास करके जो शुगर के पेशेंट हैं, उनको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। कोई घाव है, कहीं चोट लग जाए तो बहुत नासूर बन सकती है, समस्या बड़ी बन सकती है, सावधान रहिएगा। बात करेंगे करक राशि वालों की। करक का स्वामी चंद्रमा, और करक राशि को कहाँ बैठेंगे, नीच के बुध होकर के भाग्य स्थान पर, किस्मत के हाउस में। 9th हाउस मतलब भाग्य, विदेश यात्रा होएगी, विदेश यात्रा होते होते रुक जाएगी, विदेश यात्रा से संबंधित आपकी कोई प्लानिंग चल रही है उसमें आपको कुछ परेशानियां आने के संकेत बनते हैं, वीज़ा लगता लगता रह जाएगा, लगा बना बनाया काम विदेश से जुड़ा हुआ खराब हो सकता है, बहुत अलर्ट रहना पड़ेगा। यात्रा के समय में बड़ा धन रुपया लेन देन थोड़ा सोच समझ के कीजिएगा, यात्रा में नुकसान हो सकता है। करक राशि वालों का, करक का स्वामी तो वैसे भी चंद्रमा, पिता पुत्र का, पिता और पुत्र का संबंध रहता है चंद्रमा और बुध का, तो बुध जब नीच राशि में जा रहे हैं तो यहाँ पर करक राशि वाले व्यक्ति थोड़े भक्ति करेंगे, मंदिर में जाएंगे, धर्म स्थान पर जाएंगे, गुरुद्वारा मंदिर रिलीजियस प्लेस में जाएंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा।
दूसरी बात, आपको स्वास्थ्य से संबंधित यहाँ पर बुध की दृष्टि कहाँ तीसरे स्थान पर पड़ रही है, आपको रोड एक्सीडेंट से बचना चाहिए, चोट से बचना चाहिए। कर्क राशि वाले व्यक्तियों का अगर मन अशांत है, गुस्सा बहुत ज़्यादा आ रहा है, चिड़चिड़ापन ज़्यादा आ रहा है, तो अपने आप को शांत करने की कोशिश करें, नहीं तो संबंध खराब हो सकते हैं, खास करके पार्टनरशिप में रिलेशन खराब होने के चांसेस बनते हैं। बी केयरफुल। बात करूंगा सिंह राशि वालों को। सिंह राशि वालों को शुक्र मीन राशि में नीच राशि के यानी आठवें घर में, आठवां घर यानी आयु का, स्वास्थ्य का, हेल्थ का। और दूसरी बात, आपको सिंह राशि वालों को यानी कि धनेश धन भाव का भी कारक हो गया, तो यहां पर अष्टमेश अष्टम और धन दोनों का संबंध है, तो आपका जो धन रुपया कहीं खराब होने के भी संकेत बनते हैं। और स्वास्थ्य में आपको पेट की पथरी की प्रॉब्लम, गुप्त अंगों की प्रॉब्लम, आपको लेडीज हैं जेंट्स हैं तो आपको जो गुप्त अंगों की प्रॉब्लम है, छुपी हुई प्रॉब्लम है, हिडन प्रॉब्लम्स जो हैं वो आपको बढ़ने के संकेत बनते हैं। इन्फेक्शन हो सकती है, बीमारियाँ हो सकती है, ऑपरेशन अगर आप करवाना चाह रहे हैं तो थोड़ा अभी अवॉइड करें कुछ समय अगर हो सके तो, क्योंकि आठवें घर में ऑपरेशन अगर होता है तो कहीं ना कहीं खतरा बना रहेगा, नुकसान ज़्यादा भी हो सकता है, बाकी प्रभु इच्छा। सिंह राशि वालों को स्पेशली यहाँ सूर्य को मजबूत करना चाहिए, सूर्य की आराधना भी करनी चाहिए, क्योंकि बुध नीच का जब अष्टम में जाएगा तो कई सारी पीड़ा, कई सारी बीमारियाँ एक साथ खड़ी होंगी, गला खराब हो सकता है, गले से ऊपर के रोग क्रिएट हो जाएंगे, प्रॉब्लम समझ में नहीं आएगी, डॉक्टर सोचेगा उपाय करूं तो करूं, करूं क्या, बीमारी पकड़ में नहीं आएगी, तो आपको बिल्कुल सावधान चलना है। और उपाय के तौर पे आपको बुध के दान करने वाले उपाय जरूर करने हैं, जैसे कि गायों को चारा डालना है, और आपने मंगलमुखी जो लोग होते हैं जिनको आप हिजड़ों के नाम से जानते हैं उनकी आप सेवा करें, हिजड़ों को दान पुण्य करना बहुत अच्छा रहता है। यहाँ बात करेंगे अग्नि राशि कन्या राशि की। बात कन्या राशि का स्वामी कौन हुए, बुध हुए, और बुध नीच राशि में कहाँ चले गए, मीन राशि में अपनी, और मीन राशि में जाएंगे तो कन्या लग्न को या कन्या राशि वाले व्यक्तियों को बुध सातवें घर में यानी कि पति पत्नी के साथ संबंध खराब होने के चांसेस हैं, लव अफेयर आपका उजागर हो सकता है, प्यार चलता है प्यार टूट सकता है, अफेयर चल रहा है अफेयर खत्म हो सकता है, आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आपको तंग कर सकते हैं, मान सम्मान की कमी कर सकते हैं। कन्या लगन या कन्या राशि वाले व्यक्ति सातवें घर में जब नीच राशि में बुध ग्रह आएंगे यानी कि आने वाली 11 अप्रैल से लेकर के, तो आपको अलर्ट हो जाना है। वैवाहिक जीवन में डाइवोर्स के अगर कोई थोड़े बहुत हालात है तो वो हालात बढ़ जाएंगे, यहाँ तक कि पटाखा बड़ा बच सकता है, आपको बहुत सावधान रहना चाहिए। आपको गुस्सा नहीं करना चाहिए पति या पत्नी के ऊपर, अपने जीवन साथी अपने पार्टनर की भावनाओं का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर सप्तम स्थान किसका हुआ, वैवाहिक जीवन का हुआ। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का अगर बिजनेस करते हैं तो अलर्ट हो जाए कन्या लग्न और कन्या राशि वाले व्यक्ति, नुकसान होने के बहुत ज़्यादा चांसेस बनेंगे, क्योंकि बुध मीन राशि में नीच राशि के सप्तम में चले गए। बात करेंगे अगली राशि तुला राशि की। तुला राशि को छठे घर के अंदर नाना नानी से गुड न्यूज़ मिल सकती है। नाना नानी से कुछ रुपया पैसा आपका को रुका हुआ था वो आ सकता है, लेकिन मामा के साथ संबंध आपके खराब हो सकते हैं। मामा के साथ संबंध बना के रखिएगा, मामा मामी से अगर संबंध नहीं बनाएंगे तो नुकसान, बना बनाया काम बिगड़ जाएगा। तुला राशि की बात कर रहा हूँ जी, हमें तुला राशि वाले व्यक्तियों का स्वामी शुक्र है, और आपको आपकी राशि में या आपके लग्न में जब मीन राशि का छठे घर में जब शुक्र बुध आएंगे नीच राशि के, तो आपको थोड़े यहाँ पर रोग उत्पन्न करेंगे, आपको सिर दर्द की परेशानियाँ, पेट की परेशानियाँ, और आपके बाजुओं में दर्द, सर्वाइकल पेन, आपको शोल्डर पेन, आपको फ्रोजन से संबंधित परेशानियाँ आपको क्रिएट हो सकती है, आँखों के रोग ज़्यादा बढ़ने के चांसेस बनते हैं, तो आपको यहाँ पर तुला राशि वाले व्यक्तियों को सावधान रहना होगा। इस प्रकार की बीमारियाँ अगर आपको हैं या आपको लगता है कि आपको आने के चांसेस बन रहे हैं सिम्टम, तो आपको तुरंत क्या करना चाहिए, अपने वजन के बराबर का हरा चारा गौशाला में जरूर गायों को डालना चाहिए, और गरीब लोगों को खाना खिलाना चाहिए बुधवार के दिन। नारायण जी, बात करेंगे हम अगली राशि वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि का स्वामी क्या हुआ, वृश्चिक का स्वामी हुआ मंगल ग्रह, और वृश्चिक राशि वालों को मीन के नीच राशि के बुध ग्रह
पंचम स्थान में, संतान भाव में, संतान भाव में आपको कहीं ना कहीं संतान संबंधी पीड़ा, यानी अगर संतान कहने में नहीं है तो वो और कहने में नहीं होगी, बात बनते बनते बिगड़ जाएगी, बच्चों से संबंध खराब हो सकते हैं, बच्चों के साथ अच्छे से पेश आएँ, गुस्सा ना करें। स्पेशली मैं कहूँगा आपको वृश्चिक राशि वालों को, जब पंचम में नीच के बुध आएंगे अपनी वाणी पे कंट्रोल रखिएगा, डिप्रेशन की परेशानी बढ़ सकती है, बोलवाणी खराब हो सकती है और आपकी जबान की वजह से पंचम से दृष्टि इलेवंथ यानी आपका फाइनेंस रुपया पैसा आता आता रुक जाएगा हाथ में, क्योंकि 11वें घर आपका बैंकिंग फाइनेंस पर नीच के बुध की दृष्टि पड़ रही है, रुपया पैसा आने में बैंकिंग सेक्टर में दिक्कत आ जाएगी और बड़े भाई से संबंध खराब हो सकते हैं, इस बात का आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरी बात, आपका कोई लव अफेयर उजागर हो सकता है या आपको कोई एलिगेशन भी लग सकता है, मान सम्मान की कमी आ सकती है, आपको बहुत अलर्ट रहना पड़ेगा, बहुत ध्यान रखना चाहिए वृश्चिक राशि वालों को। बात करेंगे धनु राशि की, धनु का स्वामी कौन हुए, बृहस्पति, और धनु राशि को नीच के बुध चौथे घर यानी कि पब्लिक प्लेस में, राजनीति में, पॉलिटिक्स में, आप अगर राजनीति में जाने की सोच रहे हैं तो थोड़ा अलर्ट हो जाएं, क्योंकि नीच राशि के बुध राजनीतिक आपको जो संरक्षण प्राप्त हुआ था, जो टिकट मिलने की कमिटमेंट मिली हुई थी, वो खराब हो सकती है, जो जबान दी थी आपके नेता ने, आपके बॉस ने, आपके सीनियर ने, वो खराब हो सकती है, वो अपनी कमिटमेंट से पीछे हट सकते हैं। पब्लिक प्लेस में जाते हैं तो अपने वेशभूषा का, खान पान का, वाणी का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। दूसरी बात मित्रों, जो धनु राशि वाले या धनु लगन वाले व्यक्ति हैं, एक ही बात है, चाहे धनु लगन है आपका या धनु राशि है तो उसको सेम फल रहेगा। तो अगर धनु राशि वाले जो व्यक्ति हैं या धनु लगन वाले व्यक्ति हैं, जब आपके चौथे घर में बुध रहेंगे तो 10वें बिजनेस को प्रभावित करेंगे, तो बिजनेस पर यहाँ पर पूर्ण सप्तम दृष्टि रहेगी, तो आपको करना क्या है, यहाँ पर व्यापार का लेन देन सोच समझ के करना, कागज पत्र साइन सिग्नेचर ध्यान से करने हैं, नहीं तो आप किसी बड़ी परेशानी का सामना आपको करना पड़ेगा। दूसरी बात, धनु राशि वालों को जब चौथे घर में बुध नीच के होंगे तो आपकी पेरेंटल प्रॉपर्टी जो है, माता पिता का जो धन संपत्ति है, वो खराब हो सकती है, माता पिता के साथ जो संबंध है वो खराब हो सकते हैं, यहाँ तक कि माता के साथ आपको विचार अच्छे रखने चाहिए, कोई लॉटरी सट्टा जुआ बिल्कुल बच के रहें, डूबने के चांसेस बनते हैं, बिल्कुल ख़त्म हो सकता है सब कुछ, लॉटरी सट्टा जुआ शेयर मार्केट में सावधानी रखें। तो ये रहा धनु राशि वालों को। बात करूँगा दोस्तों मकर राशि, मगरमच्छ वाली, स्वामी शनि, और आपके मकर राशि में बृहस्पति, मकर कुंभ मीन यानी तीसरे घर में पार्टनर प्लेस में, पार्टनरशिप में अलर्ट हो जाएं, साझेदारी में सावधानी रखें, विदेश यात्रा की प्लानिंग है तो सक्सेस मिलने के चांसेस हैं, घर जमीन छोड़कर के बाहर देश में जा सकते हैं, पीआर लेना चाह रहे हैं, वीज़ा लेना चाह रहे हैं, मिल जाएगा वीज़ा, बहुत ज़्यादा इस बात के चांसेस हैं, लेकिन संबंध खराब होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, छोटे बहन भाइयों के साथ संबंध खराब हो सकते हैं, पार्टनरशिप में प्रॉब्लम आ सकती है, मान सम्मान की कमी आ सकती है, वाणी पर ध्यान दीजिएगा। दूसरी बात, आपको रोग पैदा हो सकते हैं, बैक पेन, कमर की दिक्कत और लेफ्ट बाजू में आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं, लेफ्ट बाएं हिस्से के अंदर आपको परेशानियाँ ज़्यादा आ सकती हैं। बात करेंगे कुंभ राशि वाले व्यक्तियों को, कुंभ राशि वाले व्यक्ति जितने भी एजुकेशन लेने वाले हैं, जो आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, आईपीएस की तैयारी कर रहे हैं, कुंभ राशि से सेकंड के अंदर धन स्थान पे मीन में और अष्टम में दृष्टि है नीच की, तो यहाँ पर बात करूँगा कि कुंभ राशि वाले जो लोग हैं, जो व्यापारी लोग हैं, उनको बड़ा धन का नुकसान ना हो जाए कहीं पर, कहीं आपका बड़ा पैसा रुक ना जाए, आपको बड़ा ध्यान रखना है। 11 अप्रैल से जो बुध अपनी नीच राशि मीन में जा रहे हैं तो यहाँ पर कहीं ना कहीं मान सम्मान की कमी या धन की हानि के संकेत हैं। दूसरी बात, जो मीन राशि वाले व्यक्ति हैं, अष्टम में जाएंगे तो ऑपरेशन होने के चांसेस हैं, रोग पैदा हो सकते हैं, और रोग भी कैसे, डॉक्टर के समझ में जो ना आए, खास करके चमड़ी के रोग आपको बहुत सता सकते हैं, आपको बहुत सावधान रहना पड़ेगा कुंभ राशि वालों को, क्योंकि चमड़ी की स्किन के रोग, एलर्जी के रोग, गले से ऊपर के रोग, जीभ टंग से रिलेटेड रोग, आपको हेयर प्रॉब्लम्स, ये ज़्यादा टेंशन देंगी, और गुप्त चिंताएं, गुप्त पीड़ाएं, हिडन प्रॉब्लम्स, कोई पीठ पीछे आपके कागज कार्रवाई गलत कर सकता है, बैंक में साइन सिग्नेचर फ्रॉड कर सकता है, फाइनेंशियली आपको बड़ा अलर्ट रहना पड़ेगा, क्योंकि कुंभ राशि को सबसे ज़्यादा धन हानि होने के या धन में फ्रॉड होने के चांसेस या 420 की कोई धारा लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, कोर्ट कचहरियों के मामले में सावधान रहें। बात करूँगा यहाँ मीन राशि वालों की, जो
मीन राशि में जब नीच राशि के बुध आए हैं 11 अप्रैल से शुरू होंगे, तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। आपकी तो राशि में ही नीच राशि के बुध है, जब तक आपकी राशि में बुध ग्रह रहेंगे तब तक आपको मानसिक परेशानियाँ, स्वास्थ्य की परेशानियाँ, हड्डियों के जोड़ों के दर्द, दांतों की प्रॉब्लम, बार बार खाने का टेस्ट चेंज होना और मानसिक अशांति, और यहाँ तक कि पागलपन के दौरे भी पड़ सकते हैं। चिड़चिड़ापन और गुस्सा आपको बहुत ज़्यादा आएगा, तो आपको बहुत ही ज़्यादा सावधान रहना है। उपाय के तौर पे आपने क्या करना है, पेड़ पौधे ज़्यादा से ज़्यादा लगाने हैं। जो कन्या लगन, मिथुन राशि मिथुन लगन, कन्या राशि कन्या लगन और मीन राशि मीन लगन और धनु राशि धनु लगन, इन चार लोगों को तो खास करके क्या करना चाहिए, आपको स्पेशली ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पेड़ पौधे लगाने चाहिए। और बुधवार के दिन अगर पेड़ पौधे लगा देंगे तो सोने में सुहागा हो जाएगा, सारे उपाय एक तरफ और ये उपाय एक तरफ, मज़ा आ जाएगा आपको। तो दोस्तों ये थे आपको बताया जो आज हमने नीच राशि के बुध जो कि अपनी मीन राशि के अंदर 11 अप्रैल से शुरू होने जा रहे हैं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। नारायण एस्ट्रो इंडिया, नारायण एस्ट्रो फ्रेंड, नारायण नारायण, आप ज़रूर हमें आप इस नाम से सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल्स को, और हमारे वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों डॉक्टर नारायण आचार्य चंडीगढ़ को आप आज्ञा दीजिए, कल फिर मिलते हैं एक नए विषय के साथ। नमो नारायण जी, नमो नारायण जी, नमो नारायण जी।